हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नताशा बुटीक फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप सो कि आप सब ठीक ही हों। सो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है ब्राइडल ब्लाउज हैवी डिज़ाइन एंड नेक डिज़ाइन पर बेस्ड है। ये बैक ग्रैंड ब्लाउज डिज़ाइन है। सो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है गाइस। मेक श्योर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और बहुत ही सारे फैब्रिक्स पे और बहुत ही सारे वर्क की डिज़ाइन पर आप इन सब से रेडी करा सकते हैं अपना ब्लाउज डिज़ाइन। ये बैक ब्लाउज डिज़ाइन है एंड हैवी स्लीव्स डिज़ाइन पर मैंने ये वीडियो बनाया है। इस तरीके से आप हैवी कटदाना वर्क एंड कटिंग वर्क में अपना ब्लाउज डिज़ाइन करा सकते हैं। इस तरीके से टेम्पल बनवा सकते हैं और डोली बारात बना सकते हैं और बहुत सारे ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से आप दिया का भी आप डिज़ाइन ले सकते हैं और ब्राइड्स का ये जो डोली पार्ट होता है और ये जो ब्लाउज पे बनाते हैं गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इस तरीके से आप पिकॉक का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इन सभी डिज़ाइंस में गाइस कुंदन, जरी और थ्रेड सभी का वर्क का यूज़ किया जाता है। और गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूज़फुल ब्लाउज डिज़ाइन होते हैं। आप अपने वेडिंग डे के बाद इन्हें बहुत ही फंक्शन में अलग अलग तरह से इन्हें वेयर कर सकते हैं। आप इन्हें सिंपल लहंगे पे वेयर कर सकते हैं, सिंपल साड़ी पे वेयर कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली आप बहुत ही प्यारा सा लुक ले सकते हैं गाइस। आप नॉन ब्राइड्स भी इन सभी ड्रेसेस को और ब्लाउज़ को रेडी करा सकते हैं। नॉन ब्राइड्स पे भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। बस उन्हें अपना सिंपल साड़ी या लहंगे को डिसाइड करना होता है। जैसे कि आप देख ही चुके हैं साड़ी किस तरीके से हमें रेडी करनी चाहिए इस तरीके के ब्लाउज़ पर। साड़ी ज़्यादा नहीं हैवी होनी चाहिए हैवी ब्लाउजेस पे। और ये नेट फैब्रिक के पर बना होता है ये पार्ट और गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने माइंड से आप ये क्रिएटिव बना सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। किसी भी तरीके का डिज़ाइन आप ले सकते हैं, चाहे बारात हो या फिर डोली हो या फिर कोई भी भगवान जी का कोई आप बनवाना चाहते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।